डियर गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पेंडेमिक के वजह से बहुत सारे स्मार्टफोन का जो लॉन्च था वो डिले हुआ था, और आज का वीडियो हमारे चैनल पे पहली बार है जो मैं स्पेसिफिकली बनाने वाला हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो आप एक्साइटेड हो, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप बहुत एक्साइटेड होगे, क्योंकि इन दो महीनों के बीच में बहुत लोगों ने भी स्मार्टफोन परचेज नहीं किया, और कैसे करते हुए ये सिचुएशन ही वैसी नहीं थी, बट जून में काफी एक्साइटेड स्मार्टफोन आने वाले हैं। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो सबसे पहले बात करता हूं ओप्पो के बारे में। ओप्पो की तरफ से ये न्यूज़ है कि ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो, जो कि आप कह सकते हो OnePlus 8 प्रो का एक बड़ा भाई है, आने वाला है। OnePlus 8 प्रो से इसके स्पेसिफिकेशन काफी मिलते जुलते हैं, बट ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो में थोड़े कुछ स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं। पेरीफोटो लेंस इसमें मिलेगा, 65 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और भी सारे बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, विच इज अ गुड स्मार्टफोन अंडर फ्लेक्सी लेवल। और 8 प्रो से ज्यादा ही प्राइस होगा, आप मान के चलो 55,000 से 60,000 के बीच में, क्योंकि 8 प्रो से ज्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इसका भी प्राइस भी एब्सोल्युटली ज्यादा लेगा। कलर ओएस के साथ ये सपोर्टेबल होगा, ऑक्सीजन ओएस तो OnePlus में देखने को मिला है। इसके साथ अगर एक क्लॉज की बात कर लूं तो अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो हो सकता है जून के एंड तक ये स्मार्टफोन आपको मार्केट में देखने को मिले। इसके साथ 8 प्रो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था जो ओपन सेल में बिकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के बारे में। तो दो नए स्मार्टफोन विद इन 10,000 अगर आपको लेने का आइडिया था सैमसंग को, तो ये दो स्मार्टफोन M01 और M11। M11 वाले सेक्शन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 450, इसके साथ एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और जो M01 होगा उसमें डुअल कैमरा लेंसेज होंगे और स्नैपड्रैगन 439 होगा। दोनों ही स्मार्टफोन विद इन 10,000 आएंगे, तो काफी एक्सक्लूसिव रहेगा सैमसंग की तरफ से। और इसके साथ ही दोस्तों सैमसंग 15,000 से 20,000 के रेंज में भी स्मार्टफोन दो लॉन्च कर सकता है जून के महीने में, जो कि होगा पहला M31 और दूसरा M51। तो सैमसंग काफी कमाल करने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा अगर बाय करना है तो कर सकते हो। जून में दोस्तों Xiaomi भी काफी धमाल मचाने वाली है। दो स्मार्टफोन Redmi Note 9 एंड 9 दो स्मार्टफोन लेकर आएगी। Note 9 में G85 रहेगा, Redmi 9 में आपको G80 से लेकर G70 का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो अगर आपको 10,000 से 11,000 के रेंज में, यानी कि Note 9 जो होगा वो 11,000 और जो 9 होगा वो 10,000 तक देखने को मिलेगा, MIUI चलाना है, साथ में Helio के G85 का मजा लेना है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट होगा, आप वेट कर सकते हो। और अगर Xiaomi की बात हो और Realme की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो Realme दो स्मार्टफोन लेके आएगी, Realme X3 एंड X3 Zoom। जो X3 वाला वर्जन होने वाला है वो आपको 25,000 से कम के रेंज में मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन बात है। और X3 Zoom वाला जो है उसमें एक ही स्पेसिफिकेशन ज्यादा होगी, ऑप्टिकल जूम 60x तक कंप्लीट कर पाएगा, और ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। स्नैपड्रैगन का 855 प्लस होगा, प्रोसेसर डुअल डिस्प्ले होंगे, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश देखने को मिलने वाली है। तो ये कंप्लीट अगर ये स्मार्टफोन आता है, 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाला है, आई फॉरगेट अबाउट इट, तो ये कंप्लीट स्मार्टफोन कह सकते हो आप इसको विद इन 25,000। साथ में दोस्तों Huawei भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जो P40 सीरीज है फ्लेक्सिप लेवल वाली, उस स्मार्टफोन को इंडिया में लाया जाएगा। स्मार्टफोन कंप्लीट डिजाइन अच्छे होते हैं, हार्डवेयर का सपोर्ट काफी बेहतरीन होता है, एक ही मेजर लैक होता है कि इसमें प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा, ऐप गैलरी देखने को मिलेगी, जो कि Huawei की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया है। अगर ये ऐप गैलरी हटा के प्ले स्टोर डाल दिया जाए तो ये फोन परफेक्ट होगा एक फ्लेक्सिप लेवल के लिए, और इसको कोई आई थिंक मुझे बिल्ड क्वालिटी में तो बीट नहीं कर पाएगा। साथ में जो स्मार्टफोन होने वाला है Asus, ये भी अपने दो स्मार्टफोन लाएगा, एक ROG वाला वर्जन इंटरनेशनली लॉन्च करेगा जिसमें आपको 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और दूसरा 7G मॉडल, जो कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बट हो सकता है, देखते हैं क्या लॉन्च होता है या नहीं, जिसमें कि 765G वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों बात कर लेता हूं iQOO के बारे में, जो कि फ्लेक्सिप लेवल के ऊपर इंडिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। दो स्मार्टफोन iQOO Z1 और Neo 3, जो Z1 है वो आपको 25,000 से कम के रेंज में 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, 865 वाला फ्लेक्सिप, MediaTek Dimensity 1000 वाला चिपसेट, और इसके साथ जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो लाजवाब रहने वाला है। और iQOO Neo 3 में आपको 30,000 से कम के रेंज में प्राइसिंग, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, तो कमाल है डिफरेंस रहेगा MediaTek और स्नैपड्रैगन का, दिखना बहुत बेहतरीन होगा कि गेमिंग परफॉर्मेंस इन दोनों में से किस में ज्यादा रहता है। तो अगर आप गेमिंग बजट स्मार्टफोन फ्लैगशिप में 30,000 से कम में गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिले, तो नो डाउट आंखें बंद करके iQOO आप सिलेक्ट कर लो। फाइनली बात कर लेता हूं बेस्ट स्मार्टफोन किलर, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था पब्लिक को, वो है पोको। पोको अपने M2 एंड M2 प्रो दो स्मार्टफोन जून के महीने में लेकर आ सकता है इंडिया में। क्या करेगा कुछ अभी उतनी आइडिया
नहीं है बट रीब्रांड कर सकता है किसी अपने प्रीवियस स्मार्टफोन को जो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है विथ फ्लेक्सिप लेवल, और डेफिनेटली 865 स्नैपड्रैगन का तो देखने को मिलेगा। इसके अलावा और सारे कॉन्फ़िगरेशन कुछ उतने अनडाउटफुल हैं तो क्लियर कर दूंगा अगर स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हो तो। तो यही था दोस्तों कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो जून में लॉन्च होने वाले हैं 2020 में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पेंडेमिक विच वी आर फेसिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, काफी एक्साइटेड वीडियो था, थोड़ा अलग था, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट मंथ से हर मंथ बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली।